हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। और दोस्तों, आज हम अपने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में प्रीवियस ईयर में आए हुए गेट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। बट दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के इससे पहले 6 वीडियोज और बना रखी हैं, जिसमें हमने इसके सारे टॉपिक कवर किए थे। जिसमें पहला टॉपिक तो हमारा डिफाइन, दूसरा टॉपिक क्या था, दूसरे टॉपिक हमने देखे थे डायरेक्ट फॉर्मूलाज, या हम कह सकते हैं डायरेक्ट रिजल्ट। उसके बाद दोस्तों हमने क्या देखा था, उसके बाद दोस्तों हमने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जिसमें हमने 4 प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी। उसके बाद दोस्तों हमने देखा थी मीन वैल्यू, सॉरी दोस्तों इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। फिर दोस्तों उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, उसके बाद हमने पढ़ा था दोस्तों इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और फिर दोस्तों उसके बाद पढ़ा था हमने हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, और हम कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास। डिफरेंशियल इक्वेशन को ही हम क्या कह सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास। तो दोस्तों ये सारे ही टॉपिक हमने अपनी 6 वीडियोज में कवर किए थे, और साथ में इनके आई हुई गीट में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखे थे। बट दोस्तों इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस वीडियो में हम वो क्वेश्चन लगाने वाले हैं जो हमने अभी नहीं लगाए हैं। और इससे क्या हुआ, हम सारे टॉपिक के क्वेश्चन उठाएंगे, जिससे हमारे सारे टॉपिक, जितने भी ये टॉपिक हैं, इनका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में हम और प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पर दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये सारे टॉपिक नहीं पढ़े हैं या आपने हमारी वीडियोज नहीं देखी हैं, तो आप पहले एक बार उन्हें देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो पर आइए। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखनी है तो हमने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं मान रहा हूं कि आपने ये सारी वीडियो देखी और ये सारे टॉपिक आपको आते हैं, उसके आगे हम बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप पहले इन वीडियोज को देख लीजिए। तो आइए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन जो हमारा गेट एग्जामिनेशन 1995 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो हमें क्वेश्चन में कह रखा था इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस प्लस 9 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 इज, और हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए कॉस 2t प्लस 9 साइन 2t, ऑप्शन नंबर बी ई रेस टू पावर माइनस 3t इंटू कॉस 2t प्लस ई रेस टू पावर माइनस 3t इंटू साइन 2t, ऑप्शन नंबर सी ई रेस टू पावर माइनस 3t साइन 2t प्लस 3e रेस टू पावर माइनस 3t कॉस 2t, ऑप्शन नंबर डी ई रेस टू पावर माइनस 3t कॉस 2t कॉस 2t प्लस ई रेस टू पावर माइनस 3t साइन 2t। ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम इस क्वेश्चन किस तरह करने वाले हैं। तो दोस्तों हमें सीधे सीधे पूछ रखा है कि इस फंक्शन का लाप्लास ऑफ इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हुआ। तो एल इनवर्स ऑफ एस प्लस 9 अपॉन हमें एस स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 इसे सॉल्व करना है। अब दोस्तों जैसा कि हम देख सकते हैं कि यह कोई हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, इसे ब्रेक करना होगा डायरेक्ट रिजल्ट में, डायरेक्ट फॉर्मूले में। तो हम इसे किस तरह तोड़ सकते हैं, तो हम अपने एस प्लस 9 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6x प्लस 13 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एस प्लस 9 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 स्क्वायर, जो कि दोस्तों होने वाला है हमारा 9 प्लस 4 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम इसे और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, अब इसे हम और ब्रेक कर सकते हैं, एस प्लस 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस, ये दोस्तों 9 क्या है, ये दोस्तों हमारा 3 स्क्वायर होने वाला है, तो ये हो जाएगा हमारा एस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4, या दोस्तों क्या जाएगा प्लस 6, एक्स प्लस 3 प्लस 6 अपॉन एस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। और दोस्तों हम इसे किस तरह ब्रेक कर सकते हैं, हम और इसे छोटा कर सकते हैं, एस प्लस 3 अपॉन एस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 अपॉन एस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। तो दोस्तों हमें ये फंक्शन क्या मिलने वाला है, ये हमें फंक्शन मिलने वाला है एस प्लस 3 अपॉन एस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 6 अपॉन एस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है दोस्तों, हमें ये मिलने वाला है, हमें इस तरह ब्रेक डाउन कर लिया इसका।
अब क्या करना है, हम इसका लाप्लास इनवर्स निकालेंगे। तो दोस्तों इसका लाप्लास इनवर्स क्या मिलने वाला है हमें, दोस्तों जैसा कि हम देख सकते हैं ये कुछ कुछ कॉस एटी की लाप्लास ट्रांसफॉर्म बनना है। जैसे हम जानते हैं कॉस एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, हमारा कॉस एटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो दोस्तों यहां बट एस की जगह क्या है, एस प्लस थ्री है। तो यहां हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, यहां हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने वाले दोस्तों, हम यहाँ फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। तो इस फंक्शन का लाप्लास मिलेगा एस प्लस थ्री अपॉन एस प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का लाप्लास इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा दोस्तों ई एस टू पावर माइनस, यहां ए की जगह क्या है दोस्तों, ए की जगह है यहां फोर है हमारा, बट फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग करेंगे तो हमें मिलेगा ई एस टू पावर माइनस थ्री टी, और ए की जगह क्या है दोस्तों, ए की जगह फोर है, तो कॉस फोर टी, सॉरी दोस्तों ये फोर है ये तो ए स्क्वायर, तो फोर की क्या हो जाएगा, ये टू हो जाएगा यहां पर हमारा ए, तो कॉस टू टी। अब प्लस, अब दोस्तों ये हम देख रहे थे हमारी किसी तरह प्रॉपर्टी लग रही है, ये हमें लग रही है लाप्लास ऑफ साइन एटी की, जो कि हमारा होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब दोस्तों अब यहां सिक्स है और यहां फोर है, तो ए क्या होने वाला है, ए तो हमारा टू होने वाला है, बट हम इस सिक्स को कैसे लिख सकते हैं, हम सिक्स को लिख सकते हैं, सिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, थ्री इंटू टू। तो दोस्तों ये तो हो गया साइन का, बट यह एस की जगह क्या है, एस प्लस थ्री है, तो हम यहां लिखेंगे फिर से एक बार फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का। हम फिर से एक बार क्या करने वाले हैं, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो हमें मिलेगा थ्री इंटू ई रेस टू पावर माइनस थ्री टी साइन टू टी। ये हमें करेक्ट आंसर मिलने वाला है इस क्वेश्चन का। जैसा कि हम देख सकते हैं ये ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ये ऑप्शन नंबर है हमारा cos 2t plus ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं एक और गेट क्वेश्चन जो हमारा 1999 में सिविल ब्रांच में आया हुआ है। हर क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हमें फंक्शन दे रखा था एफटी, और हमें एफटी बोल रखा था अगर जीरो से सी के बीच में अगर, तो हमारा एफटी की वैल्यू क्या आती क्या आती है, और सी से इन्फिनिटी के बीच में हमारे एफटी की वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। तो हमसे पूछा गया था इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, और हमें चार ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शन नंबर ए के अपॉन एस ई रेस्टोर माइनस एस सी, ऑप्शन नंबर बी के अपॉन एस ई रेस्टोर एस सी, ऑप्शन नंबर सी के ई माइनस एस सी, ऑप्शन नंबर डी दे रखा था के एस वन माइनस ई रेस्टोर एस सी। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करने वाले हैं देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इस क्वेश्चन का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, मैं पहले बता दूं आपको। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म की लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। और इसकी डेफिनेशन क्या थी दोस्तों, इसकी डेफिनेशन थी लाप्लास ऑफ एफ टी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी, ये दोस्तों हमारा किसके इक्वल होता था, ये इक्वल होता था हमारा जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी के इक्वल, ये तो था हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब बात करें यहाँ से जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस एस टी, एफ टी की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ एफ टी की वैल्यू के और जीरो दो है। तो हम पहले क्या करेंगे, जीरो से सी तक लिमिट लेंगे, पहले लिमिट लेंगे हम जीरो से सी तक, तो हमें एफ टी की वैल्यू क्या मिलती है के, प्लस इसके बाद सी से कहाँ से लेंगे, सी से इन्फिनिटी तक लेंगे, वहाँ से हमारी वैल्यू क्या मिलती है इसके बीच में, हमें जीरो मिलती है दोस्तों, डी टी है यहाँ के डी टी और जीरो डी टी। तो दोस्तों ये तो हमें क्या मिलने वाला है, ये तो वैसे ही जाए क्यों, जीरो इंटू ई रेस्टोर माइनस एस टी जीरो ही मिलने वाला है हमें। तो हम इसे सॉल्व करेंगे जीरो से सी ई रेस्टोर माइनस एस टी के डी टी को, तो दोस्तों के बाहर आ जाएगा। जब हम ई रेस्टोर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ई रेस्टोर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, यही तो मिलेगा, और लिमिट लगेगी जीरो से सी। जब इसमें दोस्तों लिमिट पुट करेंगे तो के अपॉन माइनस एस तो बाहर हो जाएगा हमारा, ये माइनस ऊपर आ जाएगा, तो हमें मिलेगा ई रेस टू पावर माइनस ई रेस टू पावर माइनस एस सी माइनस, और यहाँ टी की जब जीरो आएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ई रेस टू पावर जीरो। तो हमें मिलने वाला है माइनस के अपॉन एस ई रेस टू पावर माइनस एस सी माइनस वन। दोस्तों हम इसे किस तरह लिख सकते हैं, हम इस तरह भी लिख सकते हैं के अपॉन एस वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस एस सी। दोस्तों जैसा कि हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी
मैच कर रहा है के अपॉन एस वन माइनस ई रेशियो माइनस एस सी को, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा गेट 2001 में आया हुआ है और क्वेश्चन में क्या दे रखा था, हमें पूछा गया था द इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s इज, यानी कि हमें 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना था, ये था हमारा क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसा कि जानते हैं हम इसका लाप्लास इनवर्स ले लेंगे। तो दोस्तों ये हमारा कोई डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसको डायरेक्ट फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करेंगे। जब इसे हम डायरेक्ट फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करेंगे तो उसके हमारे क्या मेथड हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन s एंड s प्लस 2 हम इसे इस फॉर्म में तोड़ लेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम इसका क्या करेंगे लाप्लास निकालेंगे, अब हम इसका क्या करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे हम इसका तो हमें मिलेगा a अपॉन s प्लस b अपॉन s प्लस 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन s इंटू s प्लस 2। अब दोस्तों हम क्या करेंगे ए एस प्लस 2a प्लस बी एस इक्वल टू, दोस्तों ये तो कैंसिल हो जाएगा और हम इसे कंपेयर करेंगे किससे 1 से, तो a की वैल्यू आएगी हमारी 1/2 और a प्लस b दोस्तों हमारा किसके इक्वल होने वाला है 0 के, तो b की वैल्यू मिलेगी हमें -1/2। ठीक है दोस्तों, तो हमें किसका इन्वर्स निकालना है लाप्लास इन्वर्स होगा ए अपॉन एस क्या होगा दोस्तों, ए अपॉन एस होने वाला है हमारा 1/2 अपॉन s प्लस बी की वैल्यू क्या दोस्तों यहाँ -1/2 तो -1/2 s प्लस 2। ठीक है दोस्तों, हमें इसका लाप्लास इन्वर्स निकालना है 1/2 s का लाप्लास इन्वर्स क्या होगा दोस्तों, हम जानते हैं इसका लाप्लास होने वाला है हमारा 1/2 लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/2 s। बात करते हैं लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/2 s प्लस 2, दोस्तों इसका लाप्लास क्या होने वाला, लाप्लास इन्वर्स क्या होने वाला है दोस्तों 1/s की बात करें तो 1/s का लाप्लास इन्वर्स जो होता है हमारा वो क्या होता है दोस्तों, वो होता है हमारा 1, बट यहाँ क्या दे रखा है साथ में 2 और दे रखा है, तो हम इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, अब हम इसमें फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं इसमें फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज करेंगे। जब हम फ्रीक्वेंसी प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो हमें मिलेगा 1/2 e^2 2t, सो दोस्तों ई रेस्टू -2t, यहाँ प्लस है तो ये क्या हो जाएगा -2t हो जाएगा, तो हमें आंसर मिलने वाला है 1 - e^2 -2t/2, जैसा कि हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमें दे रखा है 1 - e^2 -2t/2, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं एक और गेट क्वेश्चन जो हमारा 2015-05 है, 2005 में आया हुआ क्वेश्चन, हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे रखा था एफ एस जो कि इक्वल था 5² + 2s + 3s + 6 / s × s² + 2s + 2 के, तो हमसे पूछा गया था कि एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर एफ टी की क्या वैल्यू होने वाली है। तो दोस्तों आइए सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों हमें एफ एस दे रखा है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें एफ टी की वैल्यू निकालनी है टी टेंस टू इन्फिनिटी पर। तो दोस्तों टी टेंस टू इन्फिनिटी है तो बता दूँ आपको हम यहाँ क्या यूज़ करने वाले हैं, हम यहाँ फाइनल वैल्यू थ्योरम यूज करने वाले हैं, फाइनल वैल्यू थ्योरम, और अकॉर्डिंग टू दैट फाइनल वैल्यू थ्योरम एफ टी टी टेंस टू इन्फिनिटी, टी टेंस टू इन्फिनिटी ये दोस्तों हमारा किसके इक्वल होता है, ये हमारा इक्वल होता है दोस्तों लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी, एफ टी टी टेंस टू इन्फिनिटी ये अगर दोस्तों हमारे किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है हमारा लिमिट एस टेंस टू जीरो एक्स, सॉरी दोस्तों यहाँ एफ आएगा एफ एस इंटू एफ एस के, तो दोस्तों लिमिट एस टेंस टू जीरो एस इंटू हमें एफ एस के दे रखा है, एफ एस दे रखा है 5s² + 2 3s + 6 / s × s² + 2s + 2। अब दोस्तों हम क्या करेंगे एस से एस कैंसिल कर देंगे, अब इस जो हमें मिला है लिमिट एस टेंस टू जीरो हमारे पास बचा क्या 5s² + 2 3s + 6 / s² + 2s + 2। अब यहाँ s की जगह क्या करेंगे, हम s की जगह 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5 × 0² + 23 × 0 + 6 / 0² + 2 × 0 + 2, जो कि हमारा होने वाला है 6/2 के, किसके इक्वल होने वाला है 6/2 के, और जो कि इक्वल होने वाला है हमारे 3 के। तो दोस्तों लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी एफ टी दोस्तों हमारा किसके इक्वल होने वाला है 3 के, और 3 ही हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तो आइए दोस्तों देखते हैं एक और गेट क्वेश्चन जो हमारा 2017 में आया हुआ है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा था हमें, एक हमें कैजुअल सिग्नल दे रखा था वाई टी और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे रखा था वाई एस जो कि इक्वल था एस प्लस टू अपन एस प्लस सिक्स के। तो हमसे पूछा गया था द वैल्यू ऑफ सिग्नल वाई टी एट टी इक्वल टू 0.1। हमें इस सिग्नल की वैल्यू निकालनी है वाई टी की किस पर, एट टी इक्वल टू 0.1 पर। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करने वाले हैं। तो दोस्तों अब क्या करेंगे दोस्तों, हमें वाई एस दे रखा है इक्वल टू एस प्लस टू अपॉन एस प्लस सिक्स। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लाप्लास इनवर्स ले लेंगे दोनों साइड, लाप्लास इनवर्स दोनों साइड ही, क्योंकि हम जानते हैं लाप्लास इनवर्स ऑफ वाई एस क्या होने वाला है दोस्तों, ये होने वाला है हमारा वाई टी। अब दोस्तों लाप्लास इनवर्स ऑफ एस प्लस टू अपन एस प्लस सिक्स का हमें कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है, कोई डायरेक्ट रिजल्ट नहीं पता, तो हम इसे ब्रेक करेंगे किस में, एस प्लस टू प्लस फोर माइनस फोर अपन एस प्लस सिक्स। तो दोस्तों अब हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा लाप्लास इनवर्स ऑफ एस प्लस सिक्स अपॉन एस प्लस सिक्स माइनस फोर अपॉन एस प्लस सिक्स। और दोस्तों एस प्लस सिक्स से एक्स प्लस सिक्स कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा लाप्लास इनवर्स ऑफ वन माइनस फोर अपॉन एस प्लस सिक्स। और दोस्तों लाप्ला वन किसी का लाप्लास इनवर्स होता है, हाँ होता है, किसका, डेल टी का। याद रखिए लाप्लास इनवर्स ऑफ वन क्या होता है दोस्तों, लाप्लास इनवर्स ऑफ वन होता है हमारा डेल टी। अगर हम टी की वैल्यू जीरो रखें और टी की वैल्यू जीरो को छोड़कर कुछ भी लिखें तो हमें क्या रिजल्ट देता है, याद रखिए जब भी हम टी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो हमें डेल टी की वैल्यू आएगी इन्फिनिटी, और अगर जीरो को छोड़कर कोई भी वैल्यू रखें तो डेल टी की यानी डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की वैल्यू क्या मिलती है हमें, जीरो। तो लाप्लास इनवर्स ऑफ वन क्या होगा दोस्तों, लाप्लास इनवर्स ऑफ वन क्या होता है हमारा डेल टी, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। ये दोस्तों डेल टी क्या है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, तो सिर्फ डायरेक्ट है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। तो डेल टी लाप्लास फोर अपॉन एस प्लस सिक्स का लाप्लास इनवर्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा दोस्तों, इसका होगा फोर इंटू ई रेस टू पावर माइनस सिक्स टी। अब दोस्तों यहाँ वाई टी की वैल्यू क्या हमें मिली है, वाई टी की वैल्यू मिली है डेल टी माइनस फोर इंटू ई रेस टू पावर माइनस सिक्स टी। अब दोस्तों क्या करेंगे हम, वाई की वैल्यू टी की जगह क्या पुट करेंगे, हम पूछा गया टी की जगह 0.1 पुट करने पर, तो यहाँ हमने टी की जगह 0.1 पुट किया है। और जैसा कि हम देख सकते हैं टी नॉट इक्वल टू जीरो पर हमें डेल टी की वैल्यू क्या मिलती है, डेल टी की वैल्यू मिलती है हमें जीरो माइनस फोर इंटू ई रेस्ट पर माइनस सिक्स इंटू 0.1। दोस्तों हमें वाई 0.1 की वैल्यू मिलने वाली है माइनस फोर इंटू ई रेस्ट पावर माइनस 0.6। तो दोस्तों आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा और यही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों देखते हैं एक और गेट क्वेश्चन जो हमारा 2017 में आया हुआ है। और क्वेश्चन में दोस्तों हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे रखा था एक फंक्शन का जो कि इक्वल था एस प्लस वन अपॉन एस प्लस टू इंटू एस के। तो हमसे पूछा गया था कि इस फंक्शन की इनिशियल और फाइनल वैल्यू क्या होने वाली है, और ऑप्शन दे रखे थे ए 0 एंड 1, बी 1 एंड 1/2, ऑप्शन नंबर सी 1/2 एंड 1, ऑप्शन नंबर डी 1/2 एंड 0। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका क्या आंसर आने वाला है और हम इसे किस तरह सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं और हमें पता है इसका आंसर हम कैसे निकालने वाले हैं। तो मान लीजिए हमें एक फंक्शन दे रखा है एफ टी और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म दे रखा है हमें एफ एस जो कि इक्वल है हमारा किसके, एस प्लस वन अपॉन एस प्लस टू इंटू एस के। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें पहले इनिशियल वैल्यू निकाल ली है, तो इनिशियल वैल्यू के लिए हम दोस्तों क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू थ्योरम यूज़ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू इनिशियल वैल्यू थ्योरम लिमिट टी टेंस टू जीरो एफ टी दोस्तों हमारा किसके इक्वल होता है, इक्वल होता है हमारा लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस इंटू एफ एस के। दोस्तों लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस इंटू एस प्लस वन अपॉन एस प्लस टू इंटू एस। अब दोस्तों एस से एस हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस प्लस वन अपॉन एस प्लस टू। अब दोस्तों हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका होने वाला है हमारा क्या कि हम ऊपर नीचे दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन कर दें, यानी एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लें,
या एक तरीका होने वाला है कि हम एस के फंक्शन की जगह इसको वन अपॉन एस का फंक्शन डालें। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, मैं यहाँ एल हॉस्पिटल रूल यूज कर रहा हूँ, तो एल हॉस्पिटल यूज करेंगे तो हम वन अपॉन वन मिलेगा, तो इक्वल होगा हमारे किसके, वन के। दोस्तों एल हॉस्पिटल रूल नहीं पता तो मैं आपको बता दूँ, हम ऊपर वाले पार्ट का यानी न्यूमरेटर का अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे जो हमें वन मिलेगा, और नीचे वाले पार्ट का भी अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, वहाँ भी हमें क्या मिलेगा, वन मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वन। ये डिफरेंशिएशन जो होगा वो हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा, एस के। ठीक है दोस्तों, तो हमें इनिशियल वैल्यू क्या मिलने वाली है, वन। तो जैसा कि हम देख सकते हैं एक ही आंसर है जिसमें हमें इनिशियल वैल्यू वन मिल रही है, जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का, बट एक बार कन्फर्म करने के लिए हम फाइनल वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों फाइनल वैल्यू के लिए हम क्या कैसे निकालेंगे, हम फाइनल वैल्यू थ्योरम से। तो लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ टी इक्वल्स टू लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस डॉट एफ एस, यानी एस इंटू एफ एस। तो लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस इंटू एस प्लस वन अपॉन एस प्लस टू इंटू एस। दोस्तों एस से एस क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा लिमिट एस टेंड्स टू जीरो एस प्लस वन अपॉन एस प्लस टू। अब दोस्तों हम एस की क्या पुट कर देंगे, एस की पुट कर देंगे हम जीरो, सॉरी दोस्तों एस की हम क्या पुट कर देंगे, एस की हम जीरो पुट कर देंगे, तो हमें मिलेगा जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस टू। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा वन बाय टू। और दोस्तों वन बाय टू क्या होने वाली है, हमारी फाइनल वैल्यू होने वाली है, जैसे कि हमने देखा था ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन का। ठीक है दोस्तों, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए दोस्तों अब देखते हैं अगला गेट क्वेश्चन जो हमारा 2006 में आया हुआ है, और हमें क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें सॉल्यूशन बताना है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो कि हमारी y डैश t प्लस टू वाई टी इक्व टू डेल टी। और हमें बोल रखा है इनिशियल कंडीशन दे रखी है एक वाई जीरो पर, हमें क्या है y जीरो हमारा किसके इक्वल है, जीरो के। तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहली बात तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है वाई डैश टी प्लस टू वाई टी इक्व टू डेल टी। अब दोस्तों हम इसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म से ही क्यों सॉल्व करें, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड सीखे थे, हम उससे सॉल्व नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसका जवाब है आप उससे नहीं कर सकते, आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ही यूज़ करना पड़ेगा। क्यों, कि उसमें डेल टी का फंक्शन है और यू टी आ रहा है इसमें, इसलिए आपको ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म से ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करेंगे हम दोनों साइड ही हमेशा जैसे ही करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई डैश क्या होता है दोस्तों, ये वाई डैश क्या हम जानते हैं डीवाई अपॉन डीटी है। तो ये वाई डैश का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है दोस्तों, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है हमारा वाई एस वाई एस माइनस वाई जीरो। और टू वाई टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा दोस्तों, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा हमारा टू वाई एस। और दोस्तों डेल टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, डेल टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो हमारा वन, जो हमने अभी पहले भी सीखा था इससे पिछले क्वेश्चन में, तो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, वन के। तो दोस्तों अब हमें मिलेगा, हम क्या कर सकते हैं यहाँ से वाई जीरो की वैल्यू क्या है दोस्तों, हमें जीरो दे रखी है ये, तो हमें मिलेगा एस प्लस टू वाई एस, हम क्या ले रहे हैं कॉमन ले रहे हैं इक्वल टू वन। दोस्तों वाई एस की वैल्यू क्या मिलने वाली है, वाई एस की वैल्यू मिलने वाली है हमें वन अपॉन एस प्लस टू। अब दोनों दोस्तों तो हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों ही तरफ लाप्लास इनवर्स ले सकते हैं, दोनों ही तरफ हम लाप्लास इनवर्स ले रख वन अपॉन एस प्लस टू, दोनों साइड के हमने लाप्लास इनवर्स ले लिया है, तो ये तो इक्वल हो जाएगा हमारा वाई टू के और वन अप वाई टी के। तो वन लाप्लास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस प्लस टू दोस्तों ये किसका लाप्लास होता है, हम जानते हैं वन अपॉन एस हमारा किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ओ सॉरी दोस्तों ये किसका इनवर्स है, इनवर्स लाप्लास है ये दोस्तों हमारा, ओ सॉरी दोस्तों ये हमारा वन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होने वाला है। और बात करें एस प्लस वन अपन एस प्लस टू की, तो हम क्या करेंगे अब इसमें फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दैट ये हमारा क्या हो जाएगा ई रेस्ट पावर माइनस टू टी इंटू वन, जो कि हमारा इक्वल होगा ई माइनस टू टी के। दोस्तों वाई टी हमारा किसके इक्वल आने वाला है, ई माइनस टू टी के। तो वाई टू का आंसर हमें वाई टू इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या मिलने वाला है हमें, वाई टी इक्व टू ई रेस्ट पावर माइनस टू टी। अब जैसा कि हम दोस्तों देख सकते हैं ई टू टी यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, बट अगर हम इसमें यू टी मल्टीप्लाई कर दें तो
तो हमारा ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। दोस्तों हमने पहले भी सीखा था, अगर किसी फंक्शन में हम यू टी का मल्टीप्लाई कर दें तो उसके लाप्लास में कोई चेंज नहीं आता। क्यों चेंज नहीं आता? क्योंकि एक हमारा यूनिट स्टेप फंक्शन है जो हमेशा वन वैल्यू देता है फॉर टी ग्रेटर देन जीरो के लिए। तो इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ई रेस्टोर माइनस टू टी अपॉन ओ से दोस्तों यू टी, ई रेस्टोर माइनस टू टी इंटू यू टी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका डाउट अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको उसका जवाब भी देंगे। और कोई टॉपिक रह रहा हो तो आप हमें उसके बारे में बता सकते हैं, हम वो भी आपका कंप्लीट करा देंगे। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।